हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और कल मैंने वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्रेनर्स घर में बैठे हुए हैं 6 महीने के, जो आपने उनको घर में बैठाने का मास्टर प्लान बनाया है, जिम ओनर्स का जो नुकसान हो रहा है उसके जवाब चाहिए। और मैंने आप लोगों से आवाज़ उठाने के लिए बोला था। एंड ट्रस्ट मी, इसे बोलते हैं आवाज़ उठाना, इसे बोलते हैं एजुकेटेड वे में प्रोटेस्ट करना। आपको पता नहीं कि आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ तक गई है। उस वीडियो को ट्विटर पे सीएम को टैग करा गया है। अनुराधा, थैंक यू, आपने वो स्टेप लिया और आपके बाद बहुत से लोगों ने सीएम को टैग करा। सफाया, तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। और ऐसे नजर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को कल यूज़ करा, अपनी आवाज़ उठाई। और आपको पता है ना, आप लोगों के साथ साथ जो आपके मेंबर्स हैं, जो जिम जाते हैं, जिम लवर्स हैं, उन्होंने भी आपका सपोर्ट करा है। सब आपके सपोर्ट में आ गए हैं। बस ये छोटी सी शुरुआत है, अभी बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। अभी प्लेटफॉर्म को यूज करते रहो, अपनी आवाज बढ़ाते रहो। जितनी अपनी आवाज बढ़ाओगे उतने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे उतनी तुम्हारी आवाज की गूंज बढ़ेगी और उन तक पहुंचेगी। ये तुम लोगों को जोड़ के, मोटिवेट करके, वीडियोस बना के मेरा क्या मकसद है आप समझो। ऐसे वीडियो देखने से कोई जिम नहीं खोलेगा, लेकिन तुम लोग जो आवाज बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, टैग कर रहे हो, लोगों को शेयर कर रहे हो वीडियो, उन लोगों को हो सकता है उनको मजबूर होना पड़े बात करने के लिए। हम बस यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। हम नहीं बोल रहे कि आप जिम खोल दें, आप हमसे बात करें, हमारे दो सवालों का जवाब दें। पहला, ये 6 महीने का जो आपने मास्टर प्लान बनाया है ट्रेनर्स को घर में रखने का, ये क्या है? इनका कौन इनको देख रेख करेगा? कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इनकी नीड्स को पूरी करेगा? 6 महीने बेरोजगार हैं 2,40,000 ट्रेनर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरी चीज, अगर आपको जिम से इतना ही डर लग रहा है तो एक बार आपने किसी भी इंसान, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, आपने बुला के बात क्यों नहीं करी? आप किसी को भी बुलाइए, हमसे बात करिए, हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि जिम हाई रिस्क सेक्टर है। अब देखिए सर, कोरोना वायरस से डर तो था, लेकिन तब तक डर था जब तक आप उसको कंट्रोल कर रहे थे। आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाए, वो फैल चुका है, कंट्रोल आप नहीं कर पाए। दुनिया खोल रही है, आप भी खोलिए, हम लोग देख लेंगे प्रिकॉशन, जो भी लेना है हमको, सेफ्टी टूल्स जो भी करना है हम कर लेंगे। आपसे एक ही विनती है, हमसे बात करें, समझें कि हम जिम्स खोलने के बाद उसको किस तरीके से चलाएंगे। और ट्रस्ट मी, हम आपकी सारी गाइडलाइंस फॉलो करने को तैयार है, आप हमसे सिर्फ बात करें। और गाइस, चुप नहीं बैठना, वीडियोस बनाते रहो, प्लेटफॉर्म पे उसको रखते रहो, लोगों को जोड़ते रहो। आवाज़ जितनी होगी उतना इनके कानों तक जाएगी। और किसी भी स्टेट की अथॉरिटी ने ज़रा सा भी स्टेप ले लिया हमारे लिए, तो उसका असर सब जगह पड़ेगा, सब लोग लेंगे। किसी एक ने भी ले लिया तो सब लेंगे। मेरी आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग हिम्मत ना हारें। ये एक दिन हुआ है, हमें अभी और चलना है आगे। इसी तरीके से कॉपरेट करते रहें, सपोर्ट करते रहें, मैं आपके साथ हूँ। आपको भी उन सब ट्रेनर का साथ देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।